पठान की हिस्टोरिकल सक्सेस के बाद एसआरके और सलमान खान का स्पाइवर्स बहुत बड़ा हो चुका है। अब हाल ये कि हर मूवी का रिलीज होते ही फैंस को अगले पार्ट का इंतजार होता है। जहां पठान में एसआरके ने जबरदस्त तरीके से एक्शन किया है, वहीं सलमान खान की टाइगर सीरीज की मूवीज भी बहुत ताबड़तोड़ एक्शन के लिए फेमस है। लेकिन सही मायने में स्पाइवर्स कितने रियल होते हैं, इस तरह के रॉ चीफ कितने स्टैंडर्ड होते हैं और फिल्में फिक्शन से कितनी करीब होती हैं या दूर होती हैं, ये बात तो कोई रॉ का चीफ बता सकता है। और मजे की बात यह कि एक्स रॉ चीफ यानी इंडिया के जो एक्स रॉ चीफ हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर वो इस तरह की फिल्मों की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि शाहरुख खान, सलमान खान या फिर अक्षय कुमार जब फिल्मों में स्पाई बनते हैं तो इनका स्पाइवर्स कितना रियल है, कितना फेक है। इस वीडियो में जो एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कोई भारतीय रॉ एजेंट होता नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। फिर चाहे वो अक्षय कुमार की बेबी सीरीज हो, सलमान खान की टाइगर हो या शाहरुख खान की पठान। जब उनसे पूछा गया कि पठान, टाइगर जैसी फिल्मों के एजेंट कितने रियल होते हैं, तब ये सवाल सुनकर विक्रम सूद हंस देते हैं। विक्रम के मुताबिक ये सब मजेदार फिल्में हैं, आप इन्हें कॉमेडी फिल्मों के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये सीरियस फिल्में नहीं हैं। सलमान खान की मूवीज तो जेम्स बॉन्ड की कॉपी होती हैं, जहां ढेर सारा ग्लैमर होता है, एक आईएसआई लड़की है उससे प्यार दिखाते हैं, इससे वाहियात क्या हो सकता है, मैं क्या कहूँ, ये कहना है विक्रम सूद का। और शाहरुख खान की पठान को बोलते हैं बहुत फेक मूवी है, इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह जब उनसे पूछा जाता है कि एसआरके और जॉन अब्राहम जैसे एजेंट क्या रियल लाइफ में होते हैं, तब भी वो कहते हैं कि रियल लाइफ के जो रॉ एजेंट होते हैं वो इतने फिजिकली फिट और मॉडल लुक के नहीं होते हैं, जनरली वो ब्रेन से खेलते हैं ना कि बॉडी से। उनके मुताबिक हो सकता है कोई लंबा चौड़ा अच्छा एजेंट मिल जाए, लेकिन फिल्मी एजेंट रियल एजेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और तो और सलमान खान का किसी आईएसआई की लड़की से रोमांस की जो कहानी है, या फिर शाहरुख खान की पठान में जो रोमांस दिखाया गया है, उसको लेकर विक्रम सूद कहते हैं कि रियल लाइफ में कोई एजेंट ऐसा करेगा तो उसे आईएसआई या फिर रॉ गोली मार देगा। यानी ये सब बेवकूफाना हरकत सिर्फ बड़े पर्दे पर अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। हालांकि वो कहते हैं कि मूवीज में हनी ट्रैप के तौर पर दिखाई जाती हैं चीज़ें, लेकिन रियल लाइफ में हनी ट्रैप कुछ और होता है। बहरहाल जो भी टाइगर या स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं, उनका एक्स रॉ चीफ बहुत बुरी तरह खंडन करते हैं और बोलते हैं कि मूवीज़ को मूवी की तरह लेना चाहिए, जिस तरह बड़े पर्दे पर लिख के आता है ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही एक्स रॉ चीफ विक्रम सूद कहते हैं कि सारे रॉ एजेंट नकली हैं, फिल्मी हैं, इनका रियल रॉ एजेंसी से, आईएसआई से, स्वास्थ्य से, एफबीआई से, एमआई से कोई वास्ता नहीं है, दे आर हेयर फॉर जस्ट अ एंटरटेनमेंट। तो उम्मीद है स्पाई यूनिवर्स को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे और फिल्मों को फिल्मों की तरह यानी वीडियो गेम की तरह ही देखेंगे, न कि रियल लाइफ इंस्पिरेशन के लिए। दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए इस मूवी को लेकर आपका एक्साइटमेंट लेवल किस हद तक है।